वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी एमटीएस के जितने भी स्टूडेंट्स जो हवलदार की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको सैलरी स्लिप का वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो राइट साइड में आई बटन में वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको प्रमोशन के बारे में मैं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट आपको पोस्टिंग किस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रांसफर क्राइटेरिया है, किस तरीके से डिपार्टमेंटल एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे मैं बताता रहूंगा। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल भी दबाना मत भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम प्रमोशन की। तो आप सभी को ये पता होगा कि भाई हवलदार से हेड हवलदार प्रमोशन होता है, लेकिन किस तरीके से होता है और हेड हवलदार के बाद आपका क्या प्रमोशन होता है, वो आज मैं आपको एक ऑर्डर आपका निकला हुआ था सीबीएसई का 2018 में, जिसमें हवलदार की वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें वहां पर आपको समझाई गई थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जैसा देख रहे हैं कि हवलदार जो थी पहले ग्रुप डी की पोस्ट थी, फिर बाद में क्या हुआ ये ग्रुप सी में आपकी कर दी गई, और सिर्फ हेड हवलदार का पहले प्रमोशन हुआ करता था हवलदार के बाद। लेकिन उसके बाद फेडरेशन ने क्या किया, एक साल पहले एक प्रपोजल भेजा प्रमोशन के लिए। अब उसमें क्या था कि उसमें जो अपॉर्चुनिटी थी वो टैक्स असिस्टेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए हवलदार को, ठीक है। अब फेडरेशन ने क्या किया कि वो बेनिफिट दिया उसमें 10% जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जिसकी 30 ईयर से कम की, मतलब 30 ईयर से पहले आपका अकाउंट हुआ हो और 8th या 10th स्टैंडर्ड का हो, लेकिन टीए की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है, क्योंकि सीजीएल के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपका रहता है। फिर 4.2 में आपका साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एडीजी ने जो पॉइंट आउट पॉइंट किया कि जो टीए का प्रमोशन होता है उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 रिक्वायर्ड होती फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हालांकि ग्रेजुएशन आपकी रहती है, आप सभी को पता है। और फिर इसके बाद आपको लिखा हुआ है इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट आउट ऑफ 8000 पोस्ट ऑफ हवलदार की टोटल 8000 पोस्ट थी, जिनमें से 6000 पोस्ट वैकेंट थी, 3000 पे इस साल रिक्रूटमेंट आपका आया, नेक्स्ट ईयर आपका फिर 3000 का रिक्रूटमेंट आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाते, इस बार वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको प्रमोशन आपको मौका दिया जाएगा उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने का। फिर आप देख रहे हो कि बोर्ड ने ऑलरेडी इस मैटर को एसएससी के साथ शेयर किया, जिसके थ्रू आपका क्या रहा कि अलग से सेपरेट एग्जाम रिक्रूटमेंट जो है वो आपकी हवलदार की कराई जाए। अब यहाँ पे एमटीएस के साथ आपकी ऑलरेडी निकली हुई है। अब नीचे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द प्रमोशन इन द ग्रेड ऑफ हेड हवलदार हैव बीन ऑलरेडी रन, हेड हवलदार के ऑलरेडी प्रमोशन आपके हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेड हवलदार के बाद के आपके प्रमोशन जो है वो आपके किस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया कि हवलदार के लिए आपके पास दो लाइन है, पहला या तो वो एलडीसी बन जाए, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है कि दूसरा आपका हेड हवलदार बन जाए। अब यहाँ पे ये है कि भाई एलडीसी जब आप बनते हो तो एलडीसी की जितनी भी रिक्रूटमेंट जो होती है वो आपके प्रमोशन के थ्रू ही होती है, जिनमें से 90% आपका हवलदार के थ्रू होती है और 10% आपके एमटीएस के थ्रू। मतलब अगर आप एज ए एलडीसी वहां पे प्रमोट होते हैं तो आप 90% चांसेस हवलदार के लिए आपके ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू एमटीएस। अब यहाँ पे बात करें कि भाई हेड हवलदार जो है वो आपका ASI भी बन सकता है, ठीक है, जिसमें आपकी ओवरऑल 52 पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट जो है 52 वो आपका अलग अलग जोन में आपकी अलग अलग पोस्ट आपकी रहती हैं। अब क्या है कि प्रमोशन एवेन्यू को बढ़ाने के लिए हवलदार का जो प्रमोशन है वो टीए पर भी आपका मतलब आगे परस्यू रखा गया और जो कहीं ना कहीं आपका अप्रूव भी आपका कर दिया गया, और इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई हेड हवलदार का जो प्रमोशन होगा उसके लिए अलग से कोटा डिसाइड है, जिसमें आपका 10% से लेके 25% के बीच में आपका मिनिमम कोटा जो है वो टीए की वैकेंसी का आपका हवलदार हेड हवलदार के थ्रू आपका प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ फॉर प्रमोशन ऑफ हेड हवलदार इट वॉज सजेस्टेड दैट वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी इंट्रोड्यूस हेड हवलदार ग्रेड वन, मतलब अभी ये भी सजेस्ट किया जा रहा है, अभी तो टीए का तो ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है, लेकिन हेड हवलदार ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री के लिए भी आपका कहीं ना कहीं प्रपोजल की बात चल रही है, और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले 3 से 4 साल में आपको ये भी देखने को मिल जाए, जिसमें आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपको दिखाया गया कि भाई ग्रेड थ्री के लिए आपका 1900, ग्रेड टू के लिए 2400, ग्रेड वन के लिए आपका 2800 ग्रेड पे आपका प्रपोज किया गया है। तो इस तरीके से आपका रखा जा सकता है। बाकी इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि भाई एज ASI अगर आप अपॉइंट होते हो तो उसमें आपका 70% जो ASI की पोस्ट का फॉर्मेशन है वो आपका CGST में है, बाकी 30% आपका कस्टम्स में भी आपका रहता है। तो इस तरीके से आपका जो प्रमोशन है वो आपका
सीबीआईसी में एज ए हवलदार जब आप सेलेक्ट होते हो तो रहता है। अब आगे किस तरीके से यहाँ पे वर्क रहता है, किस तरीके से आपके प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम, कितना साल लगता है, ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, कस्टम्स में आपका किस तरीके से वर्क होता है, सीजीएसटी में किस तरीके से आपका वर्क होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको प्रमोशन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे आपको कहीं के कुछ गाइडेंस या कुछ डिस्कशन आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। बाकी फटाफट से मैं कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाता रहूंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।